आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पर भगवा रंग की पगड़ी पहनकर राकेश टिकैत दो दिवसीय दौरे पर लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। वहीं प्रेस वार्ता में टिकैत ने कहा कि हम अपने किसान भाइयों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। टेनी के खिलाफ 120B का आरोप है, मंत्री के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही होती है ये सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करने वाला है। लखीमपुर में यहाँ पे हमको इलेक्शन लड़ने तो आए नहीं रहे लखीमपुर में, या हमने पर्चा भर रखा। यहाँ पे जिन किसानों की डेथ हुई उस दिन के बाद हम उन परिवारों से नहीं मिले, जो किसान हमारे जेल में गए हम उनसे भी नहीं मिले, वे जेल में हैं उनके परिवारों से मिलेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, DM और SSP है, इनसे हम मिलेंगे। तीन काम हमारे अभी यहाँ पे है, क्योंकि जितेंद्र वाला गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये एक इशू है, तो ये सारे मामले अभी हैं, इनसे मिलेंगे। दो दिन हम यहाँ पे अभी रहेंगे और यहाँ के SSP, यहाँ के DM साहब से इनसे मिलेंगे, क्योंकि यही सारी बातें बताएंगे आगे इनके क्या कार्रवाई चल रही है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दिगंबर सिंह धाकरे भाजपा से टिकट न मिलने के कारण फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे भरोसे में रखा और अब मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है। खैरागढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा बात करती है संस्कारों की और विचारों की, विचार परिवार की बात करती है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप विचार परिवार की बात करिए, संस्कारों की बात करिए, लेकिन जो आपके जिन विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों को हराया, उन प्रत्याशियों को हराया पिछली 5 साल पहले, उसी प्रत्याशी को आपने वहाँ टिकट दे दिया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और अगर कुठाराघात है, अगर आप ये मान के चलें कि नहीं साहब वो प्रत्याशी जिताऊ है और जो पूर्व विधायक थे वो जिताऊ नहीं थे, तो क्या आप 5 साल में उस विधायक का जो जिताऊ अब आपके लिए नहीं रहा? वहीं सहारनपुर में देवबंद विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह और रामपुर मनिहारन से पूर्व विधायक देवेंद्र नीम कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। नामांकन को लेकर सुबह से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था। वहीं सहारनपुर के देवबंद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर ब्रजेश ने कहा कि उनके सामने कोई अन्य प्रत्याशी चुनाव में नहीं टिक पाएगा, इस बार चुनाव में भी हमारी पार्टी का वर्चस्व रहेगा। देखिए, 2017 से 22 तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा वही है, उन विकास के मुद्दों को लेकर ही हम लोग चुनाव के अंदर जाने वाले हैं। और यदि मैं बात करूं 2017 से पहले की, तो यही उत्तर प्रदेश आप सबके सामने था। ना व्यापारी सुरक्षित था, ना किसान सुरक्षित था, ना मजदूर सुरक्षित था, ना माता बहनों की इज्जत सुरक्षित थी। आज जब हम इस चुनाव के अंदर जा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमने प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम किया है, राम राज्य की स्थापना की है और कानून व्यवस्था को जितने सुदृढ़ ढंग से सुधारने का काम मेरे मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसा आज से पूर्व किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। हमारा मुकाबला, मैं कह रहा हूँ कि लगातार हम लोग, जनता का हमें आशीर्वाद मिल चुका है, हर जगह पर, हर समाज में हमें अभी से ही जन पूरा समर्थन मिल चुका है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा पूर्ण तरीके से जनता ने हमें बिल्कुल समर्थन दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया। अब तो बस तारीख हमें तय करनी है कि कब जल्दी से वो काउंटिंग की तारीख हो। और फिर एक वही अगली खबर देवरिया से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कसता नजर आ रहा है। रामपुर के बरियारपुर में थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार वो चेकिंग कर रहे हैं, जिससे अपराधियों में अफरा तफरी का माहौल है। वही बलरामपुर में लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय हो चुका है, जिसको लेकर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख की अध्यक्षता में मतदाताओं को जागरूक किया गया और इसी को लेकर जिले में प्रचार प्रसार करने हेतु लोगों को आदेशित भी किया गया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम अभिलाख ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और दान में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद बलरामपुर में
हमारी टीम के द्वारा घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है, हर बूथ स्तर पर और सभी लोगों से मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो टीम है उसका प्रयास है कि हर मतदाता को हम जागरूक कर सकें और हर मतदाता को इस तरीके से प्रेरित कर सके कि वो बूथ पर अवश्य जाए और अपने सबसे प्रिय उम्मीदवार का चयन करें मतदान के द्वारा। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर संविदाकर्मी की दबंगई सामने आई है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राजीव जायसवाल ने बताया कि संविदाकर्मी अनुग्रह नारायण सिंह स्थानीय होने के चलते ड्यूटी में लापरवाही कर रहा था, जिसकी शिकायत मिल गई थी। मैंने जब जांच कराई तो जांच होने से गुस्सा कर मेरे ऊपर हमला किया गया। वहीं पुलिस को घटना की तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई भी उचित कार्यवाही इस मामले में नहीं की है। वहीं जिला अध्यक्ष सुरेश सचान ने बताया कि खागा सीएचसी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जायसवाल के साथ संविदाकर्मी ने जो घटना की वो बहुत ही शर्मनाक है। एक संविदा कर्मचारी जो कि टीवी विभाग में कार्यरत था, उसका नाम अनुग्रह नारायण सिंह है और लोकल पोस्टिंग होने के कारण उसके कार्य में त्रुटि पाई गई, जिसका मैंने जांच किया। उसके बाद वो मेरे ऊपर है सो अटैक कर दिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम उस अपने आप को बचा लिया, कुछ लोग भी थे वहाँ पे, उन्होंने छुड़ा लिया। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बैठकर फिर काम ही कर रहा था सीएससी खागा पे। 10 मिनट के अंदर सारे फुटेज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सारा षड्यंत्र रच कर करके वो 4-5 लोगों को बुलाया और मेरे कैबिन में घुस कर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद हमारे ऊपर जानलेवा अटैक कर दिया। पुलिस का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग मिल नहीं पाया है और उन्होंने है सो एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसको नहीं लगाया। आचार संहिता का जो उल्लंघन हुआ है वो एक्ट नहीं लगाए हैं। दूसरा कोविड प्रोटोकॉल का है एक्ट, वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि सब जो भी अज्ञात आए थे। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर जितिन हत्याकांड में आरोपी जीतू अभी भी पुलिस को गुमराह करने में लगा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला नितिन हत्याकांड का बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी जीतू की को अभी तक पुलिस जो है अभी भी पुलिस को गुमराह करने में वो जीतू आरोपी लगा हुआ है। बता दें कि जीतू की निशानदेही पर नितिन का शव बरामद किया गया था। आरोपी की निशानदेही पर मृतक का बैग भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। नितिन का शव एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बरामद हुआ था। फिलहाल आरोपी जीतू के खिलाफ धारा 302, 201, 504 में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर अयोध्या से है, जहां पर देर रात सरयू घाट पर 40 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं युवक को श्रीराम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उसे मृत घोषित किया गया। कल रात में एक लड़के का और जिसका नाम श्याम है और अभी उसका नाम पता अज्ञात में है, और उसका जो है यहाँ पर विवाद हुआ, झगड़ा कर लिए, मारपीट हुई जिसमें उसको चोटें आई, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और इस सूचना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है, जो भी घटना कारित किया है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रकरण में पूरी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं गोरखपुर में दीवानी न्यायालय में मुकदमे की तारीख देखने आए बिहार के दिलशान हुसैन की दिन दहाड़ ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर एडीजी, एसएसपी, एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एहतियातन कई थानों की पुलिस व पीएसी बल को वहां पर तैनात किया गया। मौके पर भारी संख्या में एकत्रित वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। वहीं एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और भाजपा के साथ नामक व्यक्ति ने गोली मारी है कचहरी के अंदर और मौके पर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी जिला साहब और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर आ गए थे। जितिन को जनता के सहयोग से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको फॉलो अप की जाएगी। इस मामले में जो बिना सबसा लेके कैसे वो अंदर घुसे हैं, सीसीटीवी से जिस भी गेट से घुसे हैं वहाँ जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और जो भी लापरवाही जिस स्तर पर हुई सर मोटिव पता चला क्या कुछ मोटिव क्या रहा है पूरे आपके अभी तो कुछ मालूम नहीं है गवाही नहीं है ऐसा पता चल रहा है कि ये उनकी मुजिम था और वो पार्टी पक्ष था उसकी बात को इंजित मिले ये हत्या होना प्रथम जिसका पता चला सर जी अभी यही कर रहे हैं ये मुकदमा देखने आया था अभी अपने अधिवक्ता को फोन ही कर रहा था तब तक इसको गोली मार दी गई जिंदा हड़े कुछ नहीं पता चला भाग्य मार के सर मामला चल रहा था पहाड़गंज का केस है लड़की का मामला था यहाँ पुलिस सिर्फ मास्क चेक कर रही है और कुछ नहीं सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी ये क्या देंगे अगर मैं अधिवक्ता इसके साथ रहा होता तो क्या भरोसा कि मुझे नहीं गोली लगती ये सिर्फ मास्क चेक करने के लिए बैठे हुए हैं हथियार लेके दिन दहाड़े यहाँ कचहरी परिसर में घुस जा रहे हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ के लिए बैठे। अगली खबर गोरखपुर से है जहां पर राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर गोलघर चौराहे पर घंटों जाम लगाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग थी कि 3 वर्षों से दाखिला होने के बाद भी उनका ना तो एग्जाम हुआ है और ना ही अंक पत्र उन्हें दिया जा रहा है। इसके साथ ही यह कॉलेज पूरी तरह से फर्जी है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जिला और पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पैरामेडिकल के स्टूडेंट है ठीक सर और दूसरी बात यह है कि हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है 3 साल से हम लोग 2018 के बैच के बच्चे हैं सर हम लोग अपना हक लड़ाई लड़ रहे हैं सर एक कॉलेज फर्जी है ठीक सर हम लोग डीएम आप घिराव किए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को कुछ ना कुछ करके जांच पड़ताल बता दिया जाएगा सर लेकिन हाँ सर हम लोग सारे बच्चे अपने ऊपर मिट्टी का पेट्रोल छिड़क के आग लगाएंगे पैसा रिटर्न करे और कॉलेज को सील किया जाए अभिषेक यादव को जेल हो धरना जब तक हमारी मांगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना देंगे। वही मिर्जापुर पुलिस ने अंतर प्रांतीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग से 10 मोटरसाइकिल और 2 कारों को बरामद किया है जिसके बाद गैंग के 6 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए 6 लोग पकड़े गए हैं बाकी 2 वांछित भी अभी है और कुछ और लोग भी इसमें आ सकते हैं सामने और ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी कि मैं विभिन्न जनपदों में आप जानते हैं आपके माध्यम से भी हम लोग अधिगत होते हैं कि बाइक चोरों का बहुत बड़ा गैंग था ये पूर्वांचल में इस तरह से सक्रिय था और ये 20-22 साल के सभी लड़के हैं इसमें 19 और 5वीं छठी पढ़े हुए हैं कुछ 11-12 तक पढ़े हुए हैं और ये बाइकों को जो है विभिन्न प्रकार के चाबियों के गुच्छों से जो है वो टारगेट करते थे और पिकअप पे लाद करके ले जाते। अगली खबर रायबरेली से है जहां पर सकट के त्यौहार पर भारतीय मान्यता के अनुसार महिलाएं व्रत करके अपने संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। गुड़ से बने हुए तिल लड्डू और अन्य मिठाइयां इस दिन पूजा में चढ़ाई जाती है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार व्यापार कुछ धीमा है। हर साल इस त्यौहार में अच्छा व्यापार होता है पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चुनावी समर में राजनीतिक दल युवाओं और महिलाओं पर खासा ध्यान दे रहे हैं। राज्य में हो रहे चुनाव के लिए केवल आरएलडी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया था वहीं अब कांग्रेस ने आज युवाओं के लिए युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार युवा और महिलाओं के मुद्दे को उठा रही हैं जिसके बाद अब एक ही अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज युवाओं को ध्यान में रखकर एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है जिसका नाम भर्ती विधान रखा गया है जिसमें वादा किया गया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर काम किया जाएगा और लंबे वक्त से खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए सस्ते लोन का भी वादा किया गया है। तो इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे जिसमें से 8 लाख रोजगार
जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का युवा घोषणा पत्र जारी किया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने के बाद कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों को लेकर टीचरों की वैकेंसी तक का बड़ा वादा किया है। साथ ही प्रियंका ने इशारों इशारों में खुद को सीएम चेहरा होने के भी संकेत दे दिए। प्रियंका ने कहा, आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो फिर दिख तो रहा है ना सब तरफ मेरा चेहरा। यानी प्रियंका गांधी का इशारा साफ था कि अगर सरकार बनती है तो वो ही सीएम होंगी। क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगा। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर 23 फरवरी को, चौथे चरण में 60 सीटों पर 27 फरवरी को, पांचवें चरण में 60 सीटों पर 3 मार्च को, छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में यानी 54 सीटों पर मतदान होना है। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कांग्रेस के पिटारे से चुनावी वादे के रूप में क्या क्या निकला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की खास बातें, 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी जिसमें 8 लाख पद महिलाओं के होंगे, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 1.5 लाख पद भरे जाएंगे, स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का सीड स्टार्टअप फंड, 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को मिलेगी प्राथमिकता, बेसिक शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख प्रधानाध्यापकों की कमी होगी पूरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त 19,300 पद भरे जाएंगे, सहायिकाओं के लिए रिक्त 27,100 पदों को भरा जाएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे, परीक्षा देने के लिए बस और रेल यात्रा मुफ्त होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 325 सीटें मिली थी, इनमें से अकेले 312 सीट पर जीत हासिल करने में वो कामयाब हुई थी। वहीं बीजेपी गठबंधन की दो अन्य पार्टियों में अपना दल ने 11 सीटों में से 9 सीटें और ओपी राजभर की सुभाषपा ने 8 में से 4 सीटें जीती थी। वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस महज 7 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी। वहीं यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, जिसके लिए तरह तरह की योजनाएं और कैंपेन भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस 22 के रण में फतह कर पाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।